छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए बहुत सी जगह है। यह छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से अपने झरने और मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख हिल स्टेशनों के बारे में, जहां आप जाकर बहुत ही आनंद महसूस करेंगे। इस लिस्ट में नंबर फर्स्ट में है मणिपत। मैनपेट राज्य के सरगुजा जिले में एक छोटा सा गाँव है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान को वहाँ के लोग मिनी तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भाई वहाँ जाने वाले लोग अधिकांशतः लोग तिब्बती शरणार्थी हैं। तो इस जगह में घूमने का सबसे अच्छा समय जो है मानसून और सर्दी है। अगला जो हिल स्टेशन है चिरमिरी। दोस्तों चिरमिरी राज्य के कोयरा जिले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन को छत्तीसगढ़ का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे एशियाई महाद्वीप का दूसरी बड़ी सबसे क्रेन होने का श्रेय प्राप्त है। यह समुद्र तल से लगभग 580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस हिल स्टेशन में कई मंदिर हैं जो इस जगह को समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को बताती है। अगला जो हिल स्टेशन है बैलाडीला की पहाड़ी। दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी राज्य का सबसे आकर्षक केंद्र और हिल स्टेशनों में से एक है। यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 1276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह जगह राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह हिल स्टेशन प्राकृतिक झरनों, बगीचों और जंगलों जैसे विशाल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। दोस्तों यहाँ आप अगर एक यात्री हैं तो ट्रैकिंग, हाइकिंग और रैपलिंग जैसी साहसिक चीजें जो आप कर सकते हैं यहाँ। अगला जो हिल स्टेशन है गड़िया पर्वत। गड़िया पर्वत राज्य के कांकेर जिला में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत को किला डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण या पर्यटक केंद्र पहाड़ के नीचे बहने वाली प्रसिद्ध दूध नदी है। यह हजारों पर्यटक हर साल आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी की चोटी पर पानी का कुंड मौजूद है जो कभी नहीं सूखता। अगला है अंबिकापुर। दोस्तों यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से 623 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस जिले का इस क्षेत्र का अधिकांश भूभाग घने जंगलों या पहाड़ी से भरा है। मंदिर, गुफाएं, पहाड़ी, नदियां, गर्म पानी और कई शानदार यहाँ पर झरने हैं। यहाँ की प्रमुख जो हिल स्टेशन है जोगीमारा गुफाएं और रामगिरी पर्वत, और यहाँ आप सर्दियों और मानसून के मौसम पर घूमने आ सकते हैं। दोस्तों हिल स्टेशनों की यात्रा में कई रोमांचक गतिविधियां शामिल होती है जो आपकी यात्रा को यादगार बनाती है। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो आप जरूर जा सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन पांचों में कहाँ गए हैं, इन पांचों हिल स्टेशन में कहीं गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।